मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों का स्वागत है मेरी YouTube चैनल इंडियन जॉइंट फैमिली में। पहली बात ये है कि क्यान और पार्थ पहली बार है जब मैं लेके जा रही हूँ। वैसे तो मोस्टली क्यान पार्थ को ही लेके जाती हूँ और क्यान को घर छोड़ती हूँ। ये देखो, क्यान साहब के लिए दलिया बना के लेके आई हूँ। उसकी दूध की बोतल कैरी करी है और क्यान के 3 पेयर रखे हैं मैंने कपड़ों के। मतलब मींस मेरी बुआ के यहाँ पे जा रहे हैं और मेरी बुआ से मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। जब हमारा देश आजाद हुआ था 47 में, तब मेरी बुआ 15 साल की। दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं अपनी बुआ के घर पे और बुआ मेरी अभी पेड़ के नीचे बाहर लेटी हुई है, सो उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया है। और यहाँ देखो, यहाँ मेरी भाभी बैठी हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं और पार्थ बार बार आके पूछ रहा है मम्मी ये बुफेलो बंधी हुई हैं, तो मतलब उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। आने में हालांकि बहुत टाइम लगा और यहाँ एक क्यूट सी बेबी है, ये देखो। हाय बोलो। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत तेज़ हैं। हम लोगों को तो इतना नहीं पता होता था, जैसे ही मेहमान को काम तो ऐसे भाग जाते थे, बट आज कोई नहीं शर्माता है। और ये देखो, ये क्यान साहब तो सो गए हैं। और ये हमारे भैया हैं बड़े और ये लोग बैठ के बात कर रहे हैं टीवी देखते हुए। और ये देखो, पार्थ को कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ जानता नहीं है, बस भागने से मतलब है। पार्थ है, क्या है, इधर आओ, वहां पर पकड़ लेगा कोई। और ये देखो, ये बुआ जी थोड़ी सी भावुक हो गई हैं। अब देखो, तुम्हारे पास ना शिकायत लेके आई है अब तुम्हारी लड़की की, जो कि मतलब अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। और इन्होंने अपनी आंखों के सामने क्या क्या देखा है वो मैं आप लोगों को इनसे ही बताती हूँ। बुआ जी, आपने महात्मा गांधी देखे थे ना पास अपने पिताजी के साथ? हाँ, इन्होंने दिल्ली में महात्मा गांधी देखे थे भाषण देते हुए। और हिंदू मुसलमान का युद्ध देखा ना? देखा। उसमें तो ये फंस गई थी, है ना बुआ जी? ये जब गंगा जी नहाने के लिए गई थी तो तब वो हुआ था, तो ये उसमें फंस गई थी। तो मतलब बड़े शुक्र करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, तो ये 47 में 13-14 साल की थी बुआ जी, जो आप देख रहे हो। तो मतलब इन्होंने बहुत सारी आँखों ने बहुत सारी चीजें लाइव देखी है। और पुराना खून इतना स्ट्रोंग होता है, मैं बताती थी, अभी 1 साल नहीं हुआ है, बुआ जी अपने घर के बाहर ही बैठी थी ऐसी पेड़ों की छाँव में, तो मतलब बिजार आ गया अचानक से। तो बुआ जी, वो कैसे उसका सींग विंग पकड़े आपने? वो बुआ जी को मारने के लिए दौड़ा। हाँ, साइड से निकल जाएगा, और जब को हुआ तो मैं अभी भी आगे मेरे हाथ में। उसकी किस्मत खराब थी कि उसके सींग बुआ जी के हाथ में आ गए। सींग तो आगे दोनों हाथ में। मैं बोली, मैं कहा वो मंगल देव। हाँ, वो मंगल देव। हाँ, मैं कहा पौधे पड़ तो यार। हाँ, मेरे पाप के चले। हाँ, नहीं कही मैंने। हाँ, क्यान की कंडीशन देख सकते हो। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओली मिली बेटी। हाँ, ये क्यान की हालत खराब है, रो रो के। पार्थ की नई सीट है और क्यान को बैठ के दिखा रहा है कि क्यान देखो। तो जब मैं बचपन में यहाँ पर आई थी, तब ये जो सारा था, ये वो तालाब था, मतलब मीन्स बहुत सारा पानी ये चारों तरफ था। और ये मकान भी नहीं बने हुए थे जो मेरे पीछे हैं, बिल्कुल खाली था जब मैं अपने पापा के साथ आती थी। और बुआ जी का ये मकान है जहाँ पे भैंस बनती थी, अब मकान हो गया है ये भी। और ये देखो, पार्थ तो खिलाने लगा है इसको, भैंस को पत्ते तोड़ तोड़ के। आर्थ लग गया है नाश्ते पर। गाड़ी की तरफ को नहीं, अपनी बुआ की तरफ को बढ़ रहे हैं। तो बुआ से विदाई ले लेते हैं कि बुआ हम जा रहे हैं। बुआ जाए। हाँ, तब जाओ। बुआ हमारी प्यार से विदा नहीं कर रही, यूं कर रही, जाओ, आए क्यों है इतनी जल्दी जा रहे हो तो। ये दोस्तों, ये है गंग नहर जो सीधी हरिद्वार से निकल रही है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ,
क्योंकि इसी गंग नहर के किनारे मेरी दीदी का गांव है। देख रहे हो, बिल्कुल जस्ट गंग नहर है ये। ये जो पीछे आपको मकान दिखाई दे रहा है ये मेरी दीदी का है, तो मतलब मेरी दीदी तो बड़े आनंद में रहती है यार। फाइनली दोस्तों हम अपनी दीदी के घर से निकल लिए हैं और बड़ा बड़े दिनों में चक्कर लगाया, सही बताऊँ तो 2 साल 2.5 साल के बाद आए हैं। पार्थ और ज्ञान ने बहुत शरारत की है, बंदर भी देखे हैं। हेलो गाइस, तो अभी बजे हुए हैं शाम के 6 और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं हो गया बहुत परेशान। तो आज जा रहा हूँ मैं अपने लैपटॉप को ठीक कराने, डेली मेरे को उसमें 5 से 6 घंटे लग रहे हैं, तो अभी शाम का टाइम अच्छा हो रहा है। मैं एक बार पहले पार्थ से पूछता हूँ कि अगर ये भी चलेगा तो। बेटा डैडी मार्केट जा रहे हैं, आप चलोगे? आपको क्या खाना है फिर वहाँ? इसको आइसक्रीम खानी है, जबकि इसको अभी ठीक हुए मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। और वर्षा भी अपनी योगा क्लास से आ गई है। इधर हमारा ये ज्ञान भी टीवी को देखने के लिए एकदम उतावला हो रहा है और हम इनको दिखा रहे हैं वीर तुम बढ़े चलो, ये पोएम हमने बहुत पहले सीखी थी। लैपटॉप में ले चुका हूँ और सोनू भी आ गया है। सोनू तुझे क्या लेना है? मैं कुछ खा कर आऊँगा। तो गाइस हम निकल लिए हैं, अभी देखता हूँ कि दुकान खुली मिलेगी और मैं आपको मिलाता हूँ मयंक से। सकते हैं ये है मिस्टर मयंक और ये बहुत खास मित्र है मेरे। ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक है, बस वैसे मैं पहुँचने वाला हूँ 2 मिनट में। तो इन्होंने काम शुरू कर दिया, लैपटॉप मेरा खुल चुका है और भैया ने इसके अंजर पंजर निकाल के ख़त्म कर दिए हैं। ये मिलो भैया से, इन्हें मैं कम से कम 2005 या 2006 से जानता हूँ, ये मेरे फैमिली डॉक्टर हैं मेरे लैपटॉप के। लैपटॉप एकदम ठीक हो गया है और इसकी टेस्टिंग मुझे अभी लगभग 1.5 घंटे घर जाके भी करनी होगी। तो अभी आप ये देख सकते हैं, अभी मैंने ऐसे ही खुला ही छोड़ रखा है। सोनू को लग रही थी भूख, इसका मन कर रहा था बर्गर खाने का, तो हमारे बर्गर तैयार हो गए हैं, ये आप देखो। देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। सोनू एक खाएगा दो खाएगा? दोनों ही मेरे। तो सोनू के मुँह में आ रखा है पानी, अब हम देखते हैं कि ये कितनी देर में खा के इसको निपटा देगा। और मैं भैया से पूछ लूँ कि एक ही खिलाएंगे या दो? क्यों भैया, एक खिलाओगे दो? ठीक है, फाइनली पेट को मिला है थोड़ा सा आराम और मेरा टारगेट है 100 किलो करने का, तो शायद वो मैं अचीव कर पाऊंगा अगर ऐसे 10-20 दिन इनके पास भैया के आता रहूंगा। पहले सोनू का प्लान था कि घर जाके रोटी खाऊंगा, लेकिन इसे लग रही है ज़्यादा भूख, तो ये दूसरे की ट्राई कर रहा है, लेकिन मैं दूसरा खाने नहीं दूंगा। और इसने घर फ़ोन करके मना कर दिया कि मेरी रोटी नहीं बना। जैसे कि मेरा टारगेट था 2 खाने का, मैं खा चुका हूँ और मेरा मन अब भी नहीं भरा क्योंकि बर्गर इतने टेस्टी थे। वैसे मैंने अपनी खाने के लिए घर पे मना कर दिया है कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट भर गया है, पर मन नहीं भरा। बहुत अच्छा बर्गर था और इन केस अगर आप लोग भी अगर ये आसपास के एरिया से हैं तो आप लोग आ सकते हैं। ये गाजियाबाद में राकेश मार्ग में घुसते ही लगभग 100-200 मीटर चलते ही इन भैया की दुकान थी। सारे दिन की दिनचर्या तो मैंने आप लोगों को दिखा दी, बट मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि मैं क्यों गई थी, मतलब सडनली ऐसे प्रोग्राम क्यों बना था, तो वो मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि मैं जल्दी से प्रोग्राम बाहर जाने की कमी बनाती हूँ, दूर मतलब मींस दूर जाने के प्रोग्राम बच्चों में कमी बनाती हूँ। मुझे नेक्स्ट जो करना है वो करना है LLM, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और जो भाई हैं मेरे, मैंने वीडियो में जिनसे जो दिखाया है तो वो यूनिवर्सिटी में हैं, तो उन्होंने मेरा मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मेरे कलेक्ट करने थे वो, तो वो मैंने भाई से बोल दिया था तो वो मुझे इजीली कलेक्ट हो गए थे, इकट्ठा कर लिए थे मैंने। सो मैंने भाई उनसे ही बोल दिया था कि भैया आप ले आना, तो भैया ने वो घर पे ले आए थे, इसीलिए उनको कलेक्ट करने के लिए मुझे जाना पड़ा। और ये भी मैं बता दूँ कि बुआ के पास ही मेरी ताऊ जी की बेटी हैं, तो बुआ जी का घर और ताऊ जी की बेटी का घर पास पास में ही है, तो इसीलिए फिर जब बुआ जी के यहाँ पे गए थे तो दीदी के यहाँ पर भी जाना ज़रूरी था। और काफ़ी अच्छा लगा, इन्जॉय किया और बच्चों के साथ भी काफ़ी इन्जॉय किया। पार्थ के डैडी का पपीता और खीरा मैंने काट दिया है, एक रोटी ले लेती हूँ इस टाइम, ताकि मम्मी वगैरह या हम लोग कहीं भी चले जाते हैं तो मतलब आके देखते हैं तो बहुत सारा काम मिलता है। सो वैसा ही मतलब बेड शीट वगैरह सब फैली हुई है और बेड पर कपड़े ही कपड़े हैं। और क्या पार्थ और ज्ञान के रात को भी मुझे कपड़े रखने पड़ते हैं कि कभी कभी गीले कर देते हैं, तो इसीलिए वो ही सब मैं अब क्लियर कर रही हूँ, हटा रही हूँ बेड शीट से। तो दोस्तों बस मैं लास्ट में ये ही बोलना चाहूँगी व्लॉग को एंड करते हुए
कि अभी तक जो मेरे चैनल पर नए हैं और अब मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बाय।